बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। ये जो है मैक्समिलन यानी खरबूजे की रेसिपी है, डेजर्ट है ये, और ये बहुत आसान है। और ये आज तक वीडियो शायद किसी ने नहीं बनाई, ना ये रेसिपी आपको आज तक किसी ने बताई होगी इस तरीके से। कभी भी खरबूजे का डेजर्ट बनाई नहीं होगा मेरे तरीके से। आप बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है और हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छा और लजीज लगता है, क्योंकि रोज़े से होते हैं और ठंडा ठंडा। मेरे पास ये दो दस खरबूजे हैं, ये दरमियानी साइज़ के थे, इनको मैंने स्क्वायर क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। स्ट्रॉबेरीज़ हैं मेरे पास, 4 से 5 हज़ार स्ट्रॉबेरीज थी, ये मैंने इसमें मिला दी हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी नहीं डालना चाहें तो आप ना ऐड करें। ये मेरे पास जैली थी, मैंने बना के रख ली थी। इसके अलावा ये मेरे पास सेवइयाँ उबली हुई हैं, ये कलरफुल सेवइयाँ थी, ये भी मैंने उबाल के रख ली थी। इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है। ये 1 कप सेवइयाँ थी जो मैंने उबाल ली थी, और 1 जैली का पैकेट था ये। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी 1/2 कप। शुगर ऐड नहीं होती इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा और अच्छा सा बनता है। अगर आप ज़्यादा कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें। इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ठंडा और चिल खाया जाता है। जब भी आप इसे बनाएं तो तकरीबन आप इसे 1 से 2 घंटे पहले बना के रख दें, फिर ही ये आपको मज़ा देगा। ये है मेरे पास थोड़ा सा क्वेस्ट, और ये है मेरे पास थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। हमने इसमें अच्छी तरह रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है, और कोई भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहें तो आप ज़्यादा रखें। अभी मेरा रोज़ा है, वरना मैं आपको ज़रूर टेस्ट करके इसको बताती। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप यकीन करें, आप इसे रमज़ान में खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ देगा और कुव्वत भी देगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी और खरबूजा ऐड हुआ हुआ है। तो मेरे कहने से आप एक दफ़ा ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में। और जो है बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट होता है ये। तो फिर अपना सबका प्यारों का ख्याल रखें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।